माय फ्रेंड। आईपीएल 18 का मैच गुजरात टाइटन और पंजाब किंग 11 के दरमियान था। बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था। टॉस जीता गुजरात टाइटन ने और फील्ड का फैसला पंजाब किंग की तरफ से बाश्मन सिंह और शेखर धवन ने ओपनिंग का फैसला किया। बाश्मन सिंह की जल्दी विकेट गिर गई और बगैर खाता खोले शून्य पर आउट हो गए। के बाद शेखर धवन की विकेट गिरी। उन्होंने 8 बॉलों पर सिर्फ 8 रन बनाए। इनकी विकेट लिटिल ले उड़ी। पंजाब किंग के कैप्टन की विकेट गिरने के बाद पंजाब पर जैसे प्रेशर छा गया हो। इसके बाद तीसरी विकेट मैथ्यू शॉट। जी हाँ, मैथ्यू शॉट की विकेट गिरी। मैथ्यू शॉट ने 24 गेंदों पर 36 रन बनाए। इसके बाद चौथी विकेट 92 के स्कोर पर गिर गई जितेश शर्मा की। जितेश शर्मा ने 23 बॉलों पर 25 रन बनाए। इनकी इनिंग में 5 चौके शामिल थे। इसके बाद पंजाब किंग की पांचवी विकेट 115 रन पर गिरी। अनुका ने 26 बॉलों पर 20 रन बनाए, उसमें सिर्फ एक बाउंड्री शामिल थी। इसके बाद पंजाब किंग की छठी विकेट सैम कैरन की गिरी। सैम कैरन ने 22 बॉलों पर 22 रन बनाए और इन्होंने एक बाउंड्री और एक सिक्स लगाया। पंजाब किंग की सातवीं विकेट 152 रन पर गिरी। एम शाहरुख खान ने चाराना दास में खेलकर 9 गेंदों पर 22 रन बनाए। की इनिंग में 2 छक्के और 1 चौका शामिल था। पंजाब किंग की आठवीं विकेट ऋषि धवन की थी। ऋषि धवन ने 1 गेंद पर सिर्फ 1 रन बनाया और इस तरह पंजाब 11 ने 153 रन बनाए 8 विकेटों पर और गुजरात को 154 रन का टारगेट दिया, जो कि कोई इतना आसान नहीं। गुजरात टाइटन की पहली विकेट विर्धमान साहा की गिरी, जो 4 ओवर 4 बॉलों पर थी। उन्होंने 19 बॉलों पर 30 रन बनाए। गुजरात की दूसरी विकेट साई सुदर्शन की थी, जो 11 ओवर 2 बॉलों पर गिरी। इन्होंने 20 बॉलों पर सिर्फ 19 रन बनाए। गुजरात की तीसरी विकेट गुजरात टाइटन के कैप्टन हार्दिक पांड्या की थी। इन्होंने कुछ खास खेल का प्रदर्शन ना किया और सिर्फ 11 बॉलों पर 8 रन बनाए। गुजरात टाइटन की चौथी विकेट शुभमन गिल की थी। उन्होंने 49 बॉल पर 67 रन बनाए। इसके बाद डेविड मिलर ने गुजरात को विनिंग शॉट लगाकर मैच जिताया और इस तरह गुजरात टाइटन ने 19 ओवर 5 बॉलों पर आसानी ये मैच जीत लिया। मैच के मैन ऑफ द मैच मोहित शर्मा करार पाए, मगर अगर देखा जाए तो मेरा मानना यह है कि शुभमन गिल ने बहुत ही अच्छी मेहनत की और मैन ऑफ द मैच हक उसी का था। आप अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा और आईपीएल की अपडेट के लिए